हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर फोर्थ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। वैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री अपन पढ़ चुके हैं। उस अपन ने पढ़ा था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो और डेल एम बाय डेल वाई इसको टू डेल एन बाय डेल एक्स हो, तो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है और इसके सॉल्यूशन भी अपने सीखे थे। आज अपन nth ऑर्डर की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। देखिए, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ध्यान से देखना बेटा, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह से, सम पी नॉट nth डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पी वन प्लस पी वन एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ वाई, पी टू एन माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड सो ऑन। इस तरह करते करते ये हो गया सम पी एन ऑफ वाई, ये पी प्लस वन होगा इज इक्वल्स टू सम वाई एक्स। ओके, ये इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर पी एन प्लस वन उल्टा शुरू करना है आपको, माइनस पी एन या पीछे से का डैश, पीछे से शुरू करने कॉफिशियंट्स। कॉफिशियंट्स क्या है, पी नॉट पी वन पी टू अप टू पी एन प्लस वन। सबसे पहला वाला कॉफिशियंट एज इट इज, सेकेंड लास्ट मतलब सबसे लास्ट कॉफिशियंट एज इट इज, सेकेंड लास्ट कॉफिशियंट का फर्स्ट डेरेटिव, थर्ड लास्ट कॉफिशियंट का सेकेंड डेरेटिव एंड इस तरह करते करते माइनस वन की पावर एन और यहाँ पे पी जीरो का एंथ डेरेवेटिव। अगर ये जीरो हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, क्या करना है आपको, पीछे से कॉफिशियंट्स उठाने सारे, पहले वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड वाले का सेकेंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन करते जाना है। अगर ये पूरा और अल्टरनेट साइन लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से, है ना। अगर ये पूरा कैलकुलेशन जीरो आता हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी और इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका जो ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर एक रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब इसका एंथ ऑर्डर है ना, तो जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर ये होगा, एन माइनस वन ऑर्डर होगा उसका, एक ऑर्डर कम हो जाएगा, पी वन माइनस पी नॉट डी की पावर एन माइनस टू वाई। पहले पी नॉट एक जो भी जैसे इसका टेंथ डेरिवेटिव है तो यहाँ नाइन्थ डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पे एट्थ डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन कॉफिशियंट आएगा पी वन माइनस पी नॉट, ये पी वन था ये पी टू था, और नेक्स्ट कॉफिशियंट आएगा पी वन माइनस ये पी इसका डैश भी आएगा, पी नॉट का डैश, पी टू माइनस पी वन का डैश प्लस पी नॉट का डबल डैश, एन माइनस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड सो ऑन। और इस तरह करते करते सारे लिखना है और फाइव एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स और सम कॉन्स्टेंट आएगा। ओके, ये तो उसकी डेफिनेशन वर्किंग मेथड था। मैं एक बार एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, वो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि एंथ के लिए थोड़ा सा जनरल जो कन्फ्यूजन रहता है। एग्जाम्पल वन बताता हूँ मैं, ये 2012 में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थ्री प्लस सिक्स एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है, फाइव एक्स की जगह जीरो है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो तो पी नॉट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, पी वन की वैल्यू क्या आएगी थ्री प्लस सिक्स एक्स, पी टू की वैल्यू क्या आएगी बेटा सिक्स, और एक पी थ्री की वैल्यू यहाँ पे वाई का कोफिशियंट ना वो जीरो है। तो अब अपन निकालते हैं बेटा, उल्टा निकाला ना, पी थ्री माइनस पी टू डैश प्लस पी वन डबल डैश माइनस पी पी नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू निकालते हैं बेटा, क्या आएगा, पी थ्री तो जीरो है, सिक्स का डेरिवेटिव आएगा जीरो, पी वन का डैश इसका डिफरेंशिएशन करो तो बेटा सिक्स आएगा ओनली, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करना जीरो वन प्लस नो no, नो no, गलती करती मैंने, या इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा,
और इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन करोगे तो भी वो जीरो ही आएगा। तो ये तो पूरा जीरो आ गया, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, द डी इज एग्जैक्ट। तो अब क्या होगा, एक ऑर्डर कम हो जाएगा। आपको क्या लिखना है बेटा, मैंने अभी आपको बताया पी नॉट एक कम, अभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है। तो पी नॉट के लिए तो 1 + x + x² है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, पी नॉट डी क्यूब की जगह डी स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा पी वन माइनस पी नॉट का डैश एक डी वाई हो जाएगा। फिर पी टू माइनस पी वन का डैश प्लस पी नॉट का डबल डैश वाई हो जाएगा, इसको टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन। पर यहाँ तो फाइव एक्स की जगह जीरो ही आएगा। एनीवेज पी नॉट की जगह मैं लिख देता हूँ ये डी स्क्वायर वाई, तो डी स्क्वायर वाई इसका मतलब यही है ना बेटा, एक ही बात है ये चीज और ये चीज। पी वन माइनस पी नॉट का डैश, पी वन माइनस पी नॉट का डैश 3 + 2x में से इसका डायरेक्टिव माइनस करना है, 3 + 6x में से इसका डायरेक्टिव होगा 1 + 2x, तो माइनस का 1 माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स। प्लस पी टू माइनस पी वन डैश, पी टू मतलब 6, पी वन डैश मतलब माइनस का 6 आएगा ये, प्लस पी नॉट का डबल डैश, इसका डबल डैश आएगा ओनली 2y। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन। तो ये आ गया 1 + x + x² डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 - 1 2, 6x - 2x 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इजिक्वल्स टू सी वन। ये हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो एक बार, अगर आप वापस नोटिस करो तो ये वापस एग्जैक्ट है। कैसे देखो बेटा, अब इस इधर नाउ अगेन यहाँ पे पी नॉट, अब ये है ये पी वन है ये पी टू, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। पी वन है 1 + x + x² पी नॉट है 1 + x + x² पी वन है 2 + 4x और पी टू है 2। तो अगर आप वापस पी टू माइनस पी वन का डैश प्लस पी नॉट का डबल डैश निकालो, देखो तो ये करना पड़ेगा, हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाता, अभी है ये 2 - इसका डेरिवेटिव होगा 4, इसका डेरिवेटिव होगा प्लस का 2, 0 आया, 2 - 4 - 2 + 2 0 आ गया। तो द डी इज अगेन एग्जैक्ट है बेटा। तो क्या करेंगे आप इसका, वही बात, पी नॉट इसका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस ये होगा पी वन माइनस पी नॉट का डैश वाई इसको टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। यहाँ पे फाइव एक्स की जगह इस बार सी वन है, ध्यान रखना। तो क्या होगा ये पी नॉट, मतलब पी नॉट की जगह तो 1 + x + x² लिखा जाएगा, साथ में लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट, पी वन है अपने पास 2 + 4x माइनस पी नॉट का डैश, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का 1 - 2 है प्लस 1 + 2x आएगा, माइनस का दोनों का साइन चेंज कर लिए वाई सी वन का इंटीग्रेशन प्लस सी टू। क्या होगा बेटा ये 1 + x + x² डी वाई बाई डी एक्स 2 - 1 1 4x - 2x प्लस का 2x वाई इज इक्वल्स टू सी वन का इंटीग्रेशन होगा सी वन इंटू एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। अब अपन वापस चेक करते हैं कि वापस एग्जैक्ट है, इस बार पी टू सेम प्रोसेस वापस रिपीट हो रहा है बेटा, पी पी नॉट है इस बार 1 + x + x² पी वन है अपने पास 1 + 2x और 5x ही है। पी वन पीछे से शुरू करना है माइनस पी नॉट का डैश क्या आएगा बेटा 1 + 2x माइनस इसका डायरेक्टिव, इसका डायरेक्टिव आएगा माइनस का 1 - 2x जीरो। दिस डी इज एग्जैक्ट अगेन। तो वापस क्या सॉल्यूशन होगा बेटा, पी नॉट इससे एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, तो इस बार केवल वाई आएगा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का ही है, एक ऑर्डर और कम करोगे तो वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू बस इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स डी एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट सी थ्री। इस बार ये पूरी टर्म फाइव एक्स की जगह यूज होगी, 1 + x + x² पी नॉट की जगह वैल्यू रख दी इंटू वाई इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन करना सी वन x² / 2 प्लस सी टू एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी थ्री। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं अपने पास, चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
एग्जाम्पल टू में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल थ्री में कराता हूँ। एग्जाम्पल थ्री 2014 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। क्या बेटा? साइन एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सेम ही क्वेश्चन है, बस इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। पी नॉट आपके पास है साइन एक्स, पी वन है आपके पास माइनस कॉस एक्स एंड पी टू है आपके पास 2 sin x। प्लस पी नॉट डबल डैश इज इक्वल्स टू पी टू की वैल्यू 2 sin x हो गई बेटा। पी वन का डायरेटिव, इसका डायरेटिव होगा cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा और इस माइनस के कारण टोटल माइनस आएगा, और इसका होगा डबल डायरेटिव, तो प्लस sin x का डायरेटिव cos x, cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x हो जाएगा। तो 2 sin x माइनस sin x माइनस sin x 0 आ गया। तो द डी ई इज एग्जैक्ट। ओके, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा p नॉट, इसका ऑर्डर है 2, एक ऑर्डर कम हो जाएगा, मतलब dy बाई dx प्लस p1 माइनस p नॉट डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव फाइव एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एक्स सी सी वन। फाइव एक्स की जगह 0 है बेटा, तो ये तो पूरा 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। p नॉट की वैल्यू है साइन एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वन, पी वन की जगह माइनस कॉस एक्स लिख देता हूँ, पी नॉट का डैश हो जाएगा कॉस एक्स वाई इसको टू 0 प्लस सी वन, यानी सी वन ही हो जाएगा। ये तो साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन। अब आप चाहो तो वापस चेक कर लो, ये पी नॉट है इस बार साइन एक्स और पी वन है माइनस का 2 कॉस एक्स। पी वन माइनस पी नॉट का डैश क्या आएगा, माइनस का 2 कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ये 0 नहीं आ रहा, मतलब द डी इज नॉट एग्जैक्ट, तो इसको इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। डी ई इज नॉट एग्जैक्ट नाउ। तो अब अपन इसको दूसरे किसी मेथड से सॉल्व करते हैं। वैसे ये तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो ये तो उससे सॉल्व कर देते हैं बेटा, जो फर्स्ट ऑर्डर जो आपने 12th क्लास में सीखा था। मैं कॉस एक्स साइन एक्स से डिवाइड करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको हो जाएगा माइनस का 2 कॉट एक्स वाई इसको सी वन कोसेक एक्स कोसेक एक्स। तो इस फॉर्मेट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इसको टू क्यू, ये p है ये q है। ओके, तो अब आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो इसका, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 cot x, ये वो 12th वाला मेथड है बेटा। e की पावर माइनस 2 cot x का इंटीग्रेशन होगा log sin x, ये माइनस 2 पावर में चला जाएगा, e से log कट जाएगा, तो ये cosec square x 1 अपॉन sin square x यानी cosec square x हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। तो वाई इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर है अपने पास कोसेक स्क्वायर एक्स और क्यू के लिए ये क्यू है सी वन कोसेक एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। अब वाई कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये है सी वन बाहर लिख दिया कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करके यहां लिखना है, कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, मैं अलग से कर देता हूं, एक काम करता हूं, कोसेक क्यूब एक्स है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर एक्स अलग लिख देता हूं और कोसेक एक्स अलग लिख देता हूं। कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स ये इट इज डी एक्स। अब कोसेक एक्स इंटू वन कोसेक एक्स होगा जिसका इंटीग्रेशन अपन को नोन है प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, अब ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स तो एज इट इज, और कोसेक एक्स को लिख देता हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स।
डीएक्स, अगर कॉट एक्स को मान लू मैं टी, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस का इसको डी टी हो जाएगा बेटा, तो ये माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर डीएक्स को अपन ने माइनस का डी टी लिख दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, एक्स बाई टू, एक्स टी बाई टू आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू होता है, एक की जगह वन है बेटा, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। तो ये अपने पास कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है। एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू रख दो कॉट की जगह, टी की जगह रख दो कॉट एक्स, कॉट एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स आएगा प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ कॉट एक्स, और ये कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन कोसेक एक्स आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू, माइनस वन बाई टू कॉमन ले लो, तो ये कॉट एक्स कोसेक एक्स प्लस वन बाय टू लॉग ऑफ इसको वन बाय साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो वन प्लस कॉस एक्स बचेगा ना, उसको टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स को लिख सकता हूँ टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, तो ये होगा टू से टू कट गया स्क्वायर से स्क्वायर कट गया कॉट एक्स बाय टू माइनस का वन बाय टू, ये होगा कॉट एक्स कोसेक एक्स। प्लस वन बाय टू लॉग ऑफ कॉट एक्स बाय टू प्लस सी टू, ओके माइनस का वन बाय टू कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस वन बाय टू, एक सेकंड, यहां से वन बाय टू मैंने कॉमन ले लिया था, यहां था वन बाय टू, वन बाय टू कॉमन ले लिया था, तो यहां वन बाय टू नहीं बचेगा, ठीक है बेटा। अब वन बाय टू वापस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का वन बाय टू होगा, मैं वन बाय टू तो बाहर ही रखता हूँ, ये जो माइनस है वो पावर में भेज देता हूँ, तो कॉट एक्स होगा कॉट एक्स बाय टू हो जाएगा वन अपॉन कॉट एक्स बाय टू यानी कि टेन एक्स बाय टू, ये आ गया आंसर। बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कोसेक बुक में कॉट एक्स नहीं लिखा हुआ है ना, कॉट एक्स भी लेकिन है बेटा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, इसमें आपने इसमें आप कोसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन लिख दीजिए, वाई कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्व टू सी वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाय टू, तो ये सी टू दोनों से सी वन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, इन दोनों से सी वन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स कोसेक एक्स प्लस सी वन बाय टू लॉग ऑफ टेन एक्स बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। सी टू मैंने एक्चुअली यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, दोनों जगह जरूरत नहीं कि एक जगह लगा देना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट एक और एग्जांपल अपन करते हैं, एग्जांपल फाइव, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें फाइव एक्स की जगह जीरो नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन ही है, पी नॉट की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर है, पी वन की जगह आपके पास थ्री एक्स है और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स और कॉन्स्टेंट वाई, पी टू की जगह आपके पास वन है, तो अगर आप पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश निकालोगे, मतलब वन माइनस का डिफरेंशिएशन थ्री और इसका डिफरेंशिएशन होगा डबल डिफरेंशिएशन टू, जीरो आया बेटा, तो द डी ई इज एग्जैक्ट, और क्या लिख पाओगे बेटा आप, पी नॉट एक ऑर्डर कम होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी वाई बाई डी एक्स आएगा प्लस पी वन माइनस पी नॉट का डैश वाई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ फाइव फाइव एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन, तो पी नॉट की जगह मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर ओनली, और पी वन होगा थ्री एक्स पी नॉट का डैश मतलब माइनस टू एक्स ऑफ वाई
इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन सी का, ये होगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन हो जाएगा अपॉन माइनस वन होगा, एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड भी होगा तो ये 1 माइनस एक्स ही बचेगा। ओके करके देख लेना आप। अब देखते हैं वापस पी नॉट आपके पास है एक्स स्क्वायर, देखते हैं क्या वापस एग्जैक्ट है, पी वन है एक्स, तो पी वन माइनस पी नॉट का डैश यानी कि एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल होगा टू एक्स, जीरो नहीं आया बेटा तो दिस डी इज नॉट एग्जैक्ट नाउ। तो अब आपके पास एग्जैक्ट नहीं है ना तो इसको आप किसी दूसरे मेथड सॉल्व करेंगे, इनफैक्ट ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है ना, तो इसको आप अपन वापस सॉल्व करेंगे, क्या होगा बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, वन बाय एक्स वाई वन अपॉन वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी आएगा। तो ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये वही ट्वेल्थ वाला मैथ क्वेश्चन हो गया है। ओके चलिए नेक्स्ट इसी में ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करने, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो नहीं और उसको एग्जैक्ट बनाना हो तो कैसे करते हैं अपन, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे है रूट एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आया तो नहीं है पर फिर मैं करा देता हूं, जैसे ये एग्जैक्ट नहीं है आप करके देख सकते हैं, ये पी नॉट ये पी वन ये पी टू, इस ये थ्री एक्स इसका डेरिवेटिव होगा माइनस का टू और इसका डेरिवेटिव होगा डबल डेरिवेटिव होगा कुछ पता नहीं अजीब सा आएगा रूट पावर में, जीरो नहीं होगा ये, तो ये एग्जैक्ट नहीं है ना, तो आप क्या करो लेट मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय एक्स की पावर एम से मल्टीप्लाई करो, जब एल्जेब्रिक हो ना सारे तो आप एक्स की पावर एम से मल्टीप्लाई करो, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं तो उसमें आप किसी उसमें कोई फिक्स मेथड नहीं है, उसमें तो आप हिडन ट्रायल से करोगे, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके देख लिया, कॉट एक्स से कर लिया, कॉस एक्स से कर लिया, टेन एक्स से कर लिया। ओके तो इसमें आप एक्स की पावर एम से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एम से मल्टीप्लाई होने पर एक्स की पावर एम प्लस हाफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टू एक्स की पावर हाफ वन प्लस एम डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स की पावर एम प्लस वन होगा ये भी, वाई इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस वन होगा ये भी। अब आप क्या करो इसमें कंडीशन अप्लाई करो एग्जैक्टनेस की, द डी ई यहां पे पी नॉट की वैल्यू आपके पास एक्स की पावर एम प्लस हाफ है, पी वन की वैल्यू है टू एक्स की पावर एम प्लस वन और पी टू की वैल्यू है थ्री एक्स की पावर एम प्लस वन। अब दिस डी ई इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट होगी इफ पी टू माइनस पी वन का डैश प्लस पी नॉट का डबल डैश इक्वल टू जीरो हो, मतलब ये हो जाएगी तो एज इट इज थ्री एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल होगा टू एम प्लस वन एक्स की पावर एम प्लस इसका डबल डिफरेंशियल, एक बार डिफरेंशियल होगा एम प्लस टू एक्स की पावर एम माइनस हाफ, वापस डिफरेंशियल होगा एक्स की पावर एम माइनस हाफ एक्स की पावर एम माइनस थ्री बाई टू, ये जो चीज है वो जीरो हो जाए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, एक्स की पावर पहले थ्री बाय टू तो मैं ले लेता हूं कॉमन, तो यहां से एक्स माइनस थ्री बाय टू कॉमन लेना, एक्स की पावर एम माइनस थ्री बाय टू ले लिया कॉमन, तो एम गया माइनस थ्री बाय टू भी गया तो इसमें पावर माइनस कर देना तो प्लस थ्री बाय टू हो जाएगा, थ्री एक्स की पावर वन प्लस थ्री बाय टू फाइव बाय टू होगा, टू एम प्लस वन भी बचा, एक्स की पावर इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ये एक्स नहीं है, क्वेश्चन में लिख रखा है लेकिन आंसर में नहीं लिख रखा है, तो ये आपके लिए एक्स हटाना पड़ेगा बेटा, तो थ्री की पावर एम प्लस वन ये हट जाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक्स की पावर एम अगर कॉमन ले लोगे तो ये होगा थ्री माइनस टू एम माइनस टू, यानी कि वन माइनस टू एम हो जाएगा। ओके और ये हो जाएगा एम प्लस हाफ एम माइनस हाफ
और x की पावर m माइनस 3 बाय 2 इज टू 0। अब ये पूरा पॉलिनोमियल आइडेंटिटिकली इस जीरो के बराबर है, मतलब ये x की पावर m का कॉफिशियंट भी जीरो होगा और x की पावर m माइनस 3 बाय 2 का कॉफिशियंट भी जीरो होगा। माइनस 1 बाय 2 m भी जीरो होना चाहिए एंड m प्लस हाफ इंटू m माइनस हाफ भी जीरो होना चाहिए। यहां से m की वैल्यू मिलेगी हाफ एंड यहां से मिलेगी m की वैल्यू माइनस हाफ और यहां से मिलेगी m की वैल्यू प्लस हाफ। या तो इस ये जीरो तब होगा जब m के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ हो, और ये जीरो तब होगा जब m के लिए हाफ हो। तो कॉमन सॉल्यूशन है इसमें m की पावर हाफ, m की वैल्यू हाफ, m के लिए हाफ के लिए ये भी जीरो हो रहा है ये भी जीरो हो रहा है, तो m की जो डिजायर्ड वैल्यू है वो अपन को मिल गई हाफ। तो अगर अपन m के लिए हाफ इन दिस इक्वेशन वन में रख दे तो लेट पुट दिस वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन वन, तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ प्लस हाफ वन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर टू हाफ प्लस वन थ्री बाय टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस थ्री एक्स की पावर हाफ वाई इजक्वल्स टू एक्स की पावर हाफ प्लस वन यानी थ्री बाय टू। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है श्योरली एग्जैक्ट होगी, आपको वापस चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगा के अपनी ये लाए। दिस डी ई इज एग्जैक्ट, तो क्या होगा बेटा पी नॉट एक ऑर्डर कम करो डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट का डैश वाई इजक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन लगाना है। पी नॉट की जगह एक्स है डी वाई बाय डी एक्स प्लस P1 होगा आपका ये रहा 2x की पावर 3 बाय 2 माइनस P0 का डिफरेंशिएशन 1 इज टू 5x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा x की पावर 5 बाय 2 अपॉन 5 बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। ओके ये x डिवाइड कर देना तो dy ये यहां पे y है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब वापस एग्जैक्ट नहीं है तो कोई नहीं डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2x की पावर हाफ माइनस 1 बाय एक्स, एक्स से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को मैंने, इसको 2 बाय 5 एक्स की पावर 3 बाय 2 प्लस सी वन बाय एक्स। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो आपने 12th में पढ़ा था, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 भी इसके जैसे ही है। एग्जाम्पल 3 में ट्रिग्नोमेट्री है वो एग्जैक्ट है नहीं लेकिन उसको कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बनाया गया है, एक बार इसे भी आप ट्राई कर लेना। एक्सरसाइज 4th है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। 5th क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है 5 मार्क्स का, 2016 में भी आया हुआ 5 मार्क्स का, ये क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।